नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे हिंदू समाज में हर दिन कोई ना कोई त्योहार होता है, हर त्योहार से कोई ना कोई रीति रिवाज जुड़ा होता है, मगर हम लोगों को उसके पीछे का उद्देश्य पता नहीं होता। आप सभी को पता है कि हमारे देश में नवरात्रे का शुभ त्योहार शुरू हो चुका है, कलश स्थापना होगी, माता रानी के घट की स्थापना होगी और ज्वार उगाए जाएंगे। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि ज्वार उगाए क्यों जाते हैं, क्यों माता रानी को ये ज्वार प्रिय है? आमंत्रित करता हूं आज आप लोगों को यही बताने के लिए। आरंभ करते हैं आज का सफर। दोस्तों, ज्वार कहा जाता है, मान्यता है कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले जो पूर्ण फसल उगाई गई वो जौ थी, जिसको हम गेहूं भी कहते हैं। और दोस्तों, फसल मतलब अन्न, और जहां अन्न वहां माता अन्नपूर्णा। हम फसल इसलिए उगाते हैं, हम जौ की फसल इसलिए उगाते हैं नवरात्रे में 9 दिन के लिए, हम माता अन्नपूर्णा की भी पूजा करते हैं माता रानी के 9 रूपों के साथ। हम माता अन्नपूर्णा को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि अन्न की जो भूख होती है ना, वो इंसान से बहुत सारे गलत कार्य करवाती है। अन्न का अनादर इस दुनिया में सबसे बड़ा अनादर है, उतना ही लो थाली में जितना बेकार ना जाए नाली में। माता अन्नपूर्णा की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे, इसके लिए हम फसल को उगाते हैं, माता अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न दिव्य है, अगर हर किसी के पास अन्न हो तो कभी इंसान कोई गलत कार्य नहीं करेगा। तो माता अन्नपूर्णा की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे, इसीलिए हम ज्वार उगाते हैं। और दोस्तों, इसके पीछे की कुछ मान्यताएं और हैं कि हम जौ क्यों उगाते हैं। जौ बोने से वर्षा, फसल और व्यक्ति के भविष्य का अनुमान लगाया जाता है। कहते हैं कि जौ उचित आकार और लंबाई में नहीं उगे तो उस वर्ष कम वर्षा होती है, फसल भी कम होती है और आने वाले भविष्य पर असर पड़ता है। लेकिन अगर जौ उचित आकार और लंबाई में उगता है 9 दिनों में, क्योंकि 9 दिनों के बाद उसको विसर्जित कर देते हैं, अगर वो सही आकार में उगा, उचित आकार और लंबाई में उगा, तो माना जाता है कि आने वाला भविष्य बहुत ज्यादा खुशहाल होता है। दोस्तों, जौ का जो रंग है, जो हम बोते हैं जौ नवरात्रे में, उसका जो रंग है वो भी शुभ और अशुभ का संकेत देता है। लेकिन अक्सर क्या होता है, इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई सारे लोग जौ बोते हैं मगर अंकुर नहीं फूटता है। अगर अंकुर 2-3 दिन में फूट जाए तो बड़ा शुभ माना जाता है कि माता रानी कृपा होगी आने वाले भविष्य में। अंकुर ना फूटने के पीछे के 2 कारण होते हैं। पहला कारण यह है कि आपने सही तरीके से जौ को उगाया नहीं, मतलब उसके बीज जो हैं वो सही तरीके से रोपे नहीं। और दूसरा बड़ा अशुभ कारण माना जाता है कि अगर 9 दिनों तक ज्वार नहीं उगता है तो इसे बड़ा अशुभ माना जाता है, इसे बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है। तो दोस्तों, जो जौ होते हैं उनके रंग से भी हम शुभ अशुभ संकेत पाते हैं। मान्यता है कि यदि जौ के ऊपर का आधा हिस्सा हरा हो और नीचे का आधा हिस्सा पीला हो तो इसका मतलब है कि आने वाले साल में आधा समय अच्छा होगा और आधा समय कठिनाइयों से भरा होगा। यदि जौ का रंग हरा हो या फिर सफेद हो गया हो तो इसका अर्थ होता है कि आने वाला साल काफी अच्छा जाएगा। अगर पूरा का पूरा जौ हरा है ऊपर से लेकर नीचे तक या सफेद हो गया है तो फिर तो खुशहाली ही खुशहाली है, माता रानी की कृपा साल भर बरसेगी। लेकिन अगर ऊपर सफेद और नीचे पीला है तो फिर 50-50, आधा साल बहुत अच्छा बीतेगा और आधा साल थोड़ी बहुत कठिनाइयों के साथ बीतेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो हम जौ उगाते हैं उससे हम अपने आने वाले भविष्य का अनुमान लगाते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि माता रानी की कृपा हमारे ऊपर बरसेगी या नहीं बरसेगी। मां अन्नपूर्णा का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अन्न बहुत ज्यादा जरूरी होता है जीवन के लिए। अन्न का अगर एक कण भी बर्बाद जाता है तो इससे कई जिंदगियों पर असर पड़ता है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का सफर पसंद आया होगा। आर्यावर्त को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।